हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के निगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इज एम आर, फिर नॉट, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है मैं के लिए आई लिख दिया, उसके बाद में इज एम आर लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई के साथ एम लगता है, इसलिए यहाँ पे एम लगा दिया गया। उसके बाद में नॉट लगाना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नॉट लगा दिया गया। उसके बाद में लिखना है आई एन जी फॉर्म। फ्रेंड्स, आई एन जी फॉर्म किसकी लगेगी? बोल रहा मतलब बोलना। फ्रेंड्स, यहाँ पे झूठ बोलने की बात हो रही है, झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, इसलिए यहाँ पे टेल की आई एन जी फॉर्म टेलिंग लिखा जाएगा, उसके बाद में अ लाई लगा दिया गया। इस तरह से सेंटेंस हो गया, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम मतलब यू, और यू के साथ क्या लगता है? आर, इसलिए यहाँ पे आर लगा दिया गया। उसके बाद में नॉट लगाना है, तो नॉट लगा दिया गया। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म लगाना है, आईएनजी फॉर्म किसकी लगेगी? कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हो। परिश्रम करना होता है वर्क, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है वर्किंग, इसलिए यहाँ पे वर्किंग लिख दिया जाएगा। उसके बाद में बचा है कठिन के लिए लिख देंगे हार्ड। इस तरह से सेंटेंस हो गया, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि सेंटेंस में यह या फिर इस के साथ नाउन आ रहा है तो दिस लगाएंगे और उसके बाद में नाउन लिख देंगे। जैसे कि सेंटेंस में आ रहा है यह लड़का या फिर इस लड़के को, तो इन दोनों के लिए लिखेंगे दिस बॉय। जैसे आ रहा है यह किताब, इसके लिए लिखेंगे दिस बुक, और यदि आ रहा है इस किताब को तभी दिस बुक लिखेंगे। इसी तरह जैसे आ रहा है इस कक्षा में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं के लिए इन लगा दिया गया, उसके बाद में इस कक्षा के लिए दिस क्लास लिखेंगे। इस तरह से हो गया इन दिस क्लास। इसी तरह इस सड़क पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पर के लिए क्या लगाएंगे? ऑन, उसके बाद में इस सड़क के लिए दिस रोड लिख देंगे। इस तरह से हो गया ऑन दिस रोड। फ्रेंड्स, जैसे कि सेंटेंस है, यह भिखारी यहाँ भीख नहीं मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यह भिखारी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे यह के बाद भिखारी आ रहा है, मतलब यह के बाद नाउन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे दिस लिखेंगे, उसके बाद में भिखारी के लिए बेगर लगा देंगे। उसके बाद में इज एम आर लगाना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भिखारी एक वचन है, इसलिए यहाँ पे इज लगा देंगे। उसके बाद में नॉट लगाना है, तो फ्रेंड्स नॉट लगा दिया। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म लगाना है, आईएनजी फॉर्म किसकी लगेगी? मांग रहा मतलब मांगना होता है बेग, और इसकी आईएनजी फॉर्म बेगिंग होती है, इसलिए यहाँ पे बेगिंग लिख दिया। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट बचा है यहाँ और भीख। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या है? ये एक स्थानवाचक शब्द है। फ्रेंड्स, हमने बताया था सबसे लास्ट में समय को लिखते हैं और उसके जस्ट पहले क्या लिखते हैं? स्थान। तो फ्रेंड्स, स्थान को लास्ट में लिखेंगे, अब बचेगा क्या? भीख। भीख के लिए लिख देंगे आर्म्स, उसके बाद में बचा है यहाँ, यहाँ के लिए हेयर लिखेंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया, दिस बेगर इज नॉट बेगिंग आर्म्स हेयर। जैसे कि सेंटेंस है, मैं इस लड़के को अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए आई लिख दिया, उसके बाद में आई के साथ एम लगता है, इसलिए यहाँ पे एम लगा दिया गया। उसके बाद नॉट लगाना है, तो फ्रेंड्स नॉट लगा दिया गया। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म लिखना है, आईएनजी फॉर्म मतलब सिखा रहा मतलब सिखाना होता है टीच, और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग लिख दिया गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या बचा है? इस लड़के को और अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स, सजीव ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, उसके बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद में आप जानते ही हैं,
उसके बाद में स्थान और लास्ट में समय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सजीव ऑब्जेक्ट क्या है, इस लड़के को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बताया था इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे दिस। तो फ्रेंड्स इस तरह से हो गया, इस लड़के को के लिए क्या लगाएंगे, दिस बॉय। उसके बाद में बचा है क्या, अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया, आई एम नॉट टीचिंग दिस बॉय इंग्लिश। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे अगर सेंटेंस में वह या फिर उस आ रहा है और उसके बाद कोई नाउन आ रहा है तो इसके लिए दैट लगाएंगे और उसके बाद नाउन लिख देंगे। जैसे कि आ रहा है वह बच्चा तो इसके लिए दैट चाइल्ड लिखेंगे। जैसे उस बच्चे को, तो फ्रेंड्स उसके लिए दैट लिखा और बच्चे के लिए चाइल्ड लिख दिया। इस तरह से हो गया दैट चाइल्ड। इसी तरह जैसे लिखना है वह मकान, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे दैट हाउस। जैसे लिखना है उस मकान को तभी दैट हाउस ही लिखेंगे। जैसे कि सेंटेंस में बना के देखते हैं, सेंटेंस है वह आदमी उस मकान को नहीं बेच रहा है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वह आदमी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वह के बाद आदमी आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे और उसके बाद नाउन लगाएंगे, मतलब दैट मैन, यहाँ पे दैट मैन लिख दिया गया। उसके बाद में इज एमआर लगाना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आदमी एक है इसलिए यहाँ पे इज लगा देंगे। उसके बाद में नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया। उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाना है, आईएनजी फॉर्म किसकी लगेगी, बेच रहा, बेच रहा मतलब बेचना, बेचना होता है सेल और इसकी आईएनजी फॉर्म सेलिंग लिख देंगे। उसके बाद में बचा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उस मकान को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उस आ गया, उसके लिए क्या लगेंगे, फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद नाउन आ रहा है इसलिए यहाँ पे दैट लगा के नाउन लगा देंगे, मतलब उसके लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे और मकान की इंग्लिश हाउस लिख देंगे। इस तरह से हो गया दैट मैन इज नॉट सेलिंग दैट हाउस। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने दिस और दैट को बता दिया है अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में जब हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव इसके पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, तो हम दीज और दोज की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।